के दिल्ली चलो मार्च के मद्देनजर दिल्ली के सीमाओं पर सुरक्षा इंतजाम करे किए गए हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के नोएडा से लगने वाली सीमा कालिंदी कुंज पर भी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। वहाँ की तस्वीरें हम दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेड्स वगैरह लगाए गए हैं और पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, जिसके कारण जो गाड़ियाँ नोएडा की तरफ से आ रही हैं उसमें जाम आपको दिखेगा, गाड़ियाँ रेंगती हुई नज़र आएंगी। और जो सुरक्षा इंतजाम है वो काफ़ी कड़ा यहाँ पर किया गया है, आप देख सकते हैं गाड़ियाँ जो है वो रेंगती हुई नज़र आ रही हैं आपको। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देख सकते हैं जो नोएडा की तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं वो रेंगती हुई आपको नज़र आ रही हैं। किसानों ने जो है आज दिल्ली मार्च का ऐलान किया हुआ है, जिसके कारण जो है दिल्ली के सीमाओं पर सुरक्षा इंतजाम करे किए गए हैं। इसके अलावा हम आपको इधर की तस्वीरें दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं इधर बैरिकेड लगा के रोका गया है, एक लेन इसका रोका गया है, देख सकते हैं। वहीं यहाँ पे फोर्स की भी तैनाती है और जो ट्रैक्टर वगैरह आ रहे हैं, जो मजदूर संगठनों से जुड़े कोई कार स्टिकर हुए लगा हुआ आ रहा है तो उनको रोका जा रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, देखिए एक कार को रोका गया है जिस पे लिखा हुआ है किसान मजदूर संगठन बुलंदशहर। इस तरीके की थोड़ा जो भी कोई गाड़ी वगैरह हो रही है, संदिग्ध कोई चीज़ लग रहा है तो उसको तुरंत पुलिसकर्मी रोक रहे हैं। इसके अलावा देख सकते हैं ट्रैक्टर को भी रोका गया है, कोई भी ट्रैक्टर वगैरह आ रहा है उनको रोका जा रहा है, उनकी पूछताछ की जा रही है, फिर उनको जाने दिया जा रहा है, एक और ट्रैक्टर को रोका गया है। इसी तरीके से चौकसी लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है और सुरक्षा इंतजाम करा किया जा रहा है। इस सुरक्षा इंतजाम की वजह से जो गाड़ियाँ नोएडा की तरफ से दिल्ली में प्रवेश कर रही हैं उन पर जाम देखा जा रहा है। इसके अलावा जो दिल्ली की तरफ से कालिंदी कुंज की तरफ आ रही हैं गाड़ियाँ उनमें भी जाम देखा जा रहा है। वहीं कालिंदी कुंज बॉर्डर पर सुरक्षा इंतजाम के बीच लगातार यहाँ पर दोनों राज्यों के बीच जो ट्रैफिक है उसकी आवाजाही हो रही है। आशुतोष कुमार, दिल्ली आज तक।